Hello friends, welcome to my channel Beats of Board. In today's video, we will learn about the chapter 7 of Geography of Class 10th, which is Lifelines of National Economy. And this chapter is the last chapter of Geography of Class 10th. Okay, so basically, in this chapter, what is that? That our national economy, or that our national economy, its which and what are lifelines, we will learn about it in this chapter. Okay. First, the topic that is given here is roadways. Okay. तो इंडिया जो है इंडिया में जो है एक बहुत ही बड़ा जो है लार्जेस्ट रोड नेटवर्क प्रेजेंट है, ठीक है। यानी रोड नेटवर्क एक लार्जेस्ट रोड नेटवर्क जो है इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक है, वर्ल्ड का। और इट्स इम्पोर्टेंस कैन बी व्यूड, तो हम जानते हैं कि चूंकि जो रोडवेज है वो इंडिया का वर्ल्ड का जो है एक मतलब लार्जेस्ट रोड नेटवर्क में से एक है इंडिया का रोड नेटवर्क, ठीक है। तो हम इसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर दैन डैट ऑफ रेलवेज लाइन, ठीक है। तो हम वो फैक्टर्स पढ़ते हैं कि किन कारणों से जो रोडवेज है वो इतना इम्पॉर्टेंट है, वो हम कारण पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कारण दिया हुआ है कि जो रोड्स का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें बहुत ही लोअर कॉस्ट जो है उसमें खर्च होता है रेलवे लाइन्स की तुलना में, ठीक है। यानी रेलवे लाइन्स में जो है टोटल जो है आयरन के रेलवे जो है रेलवे लाइंस बनाई जाती हैं, तो जिसकी तुलना जो कि बहुत ही जो है कॉस्टली होता है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन जो रोड्स को बनाते हैं हम, रोड्स का जो फॉर्मेशन होता है, रोड्स का कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें जो है कॉस्ट वो कम लगता है रेलवे लाइंस के कंपैरिजन में, ठीक है। रोड्स कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, ठीक है। जो रोड्स हैं उनको जो है हम मतलब मान लीजिए यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं उनके बीच से भी जो है हम रोड को निकाल सकते हैं, ठीक है। जबकि जो रेलवे लाइन से उनको क्या है कि जहाँ पर मतलब रेलवे लाइन है उसके आसपास एकदम तो हम घर बना नहीं सकते, ठीक है। तो इस बेसिस पर भी जो रोडवेज हैं वो बेनिफिशियल हैं रेलवे लाइन्स की तुलना में, ठीक है। रोड्स कैन नेगोटिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स एंड एज सच कैन ट्रेवर्स माउंटेन सच एज द हिमालयस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि रोड्स को जो है हम स्लोप एरिया पर भी बना सकते हैं, यानी ऊपर नीचे वाले जगहों पर भी जो हम रोड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, जिससे इजीली ट्रेवल किया जा सके। जैसे कि मान लीजिए हम रेलवे लाइंस लेते हैं तो वैसा तो नहीं है नहीं कि हम माउंटेन पर जो है रेलवे लाइंस बना दी और ट्रेन ऊपर से नीचे जो है जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हम रोडवेज को जो है स्लोप एरिया में भी बना सकते हैं, ठीक है। इट इज़ इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन, और अगर कुछ लोगों का ट्रांसपोर्ट करना मतलब किस केवल कुछ लोगों को एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो उनके लिए इकोनॉमिकली जो है ट्रांसपोर्ट करना रोडवेज से वो ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। और उनको जो है एंड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स, ठीक है। यानी अब कुछ लोग हो हम कह सकते हैं या कुछ अगर कुछ वस्तु एक कुछ कम मात्रा में सामान जो है उनको छोटे डिस्टेंसेस के लिए भी ले जाने के लिए हम जो है रोडवेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी रोडवेज जो है बेनिफिशियल है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज फेडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन एयर एंड सी पोर्ट्स, ठीक है। यानी जो दूसरे ट्रांसपोर्ट के साधन हैं उनको उनका जो है एक कम्प्लीमेंट्री का काम करता है रोडवेज, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए रेलवे स्टेशन के और हमारे होम के बीच जो कनेक्शन का काम जो है रोडवेज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें कोई ट्रेन पकड़ना है तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर के बाहर ही जो है रेलवे स्टेशन है, ठीक है, या हमारे घर के बाहर रेलवे की पटरी है, ठीक है, निकले और बैठ गए। हमें जो है रोडवेज का यूज़ करके जो उसका इस्तेमाल करके हमें रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा, तब हम वहाँ से रेलवे लाइन्स का जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम केस है कि ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर के बाहर हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन लगा हुआ है, हम निकले और एयरवेज का बेनिफिट ले लिए, ठीक है। हमें जो है एयरपोर्ट तक रोडवेज का सहारा लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो और वैसे ही सी पोर्ट्स हमारे घर के पास जो है सी नहीं है, सी पोर्ट्स नहीं कि हम घर से निकलते हुए वाटरवेज का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इन सब के लिए हम जो अलग अलग जो ट्रांसपोर्टेशन के तरीके हैं और हमारे होम के बीच जो है एक कनेक्शन का काम करता है रोडवेज, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि रोडवेज जो है किस हद तक जो है यूज़फुल है हमारे लिए, बेनिफिशियल है, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, ठीक है। तो ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि जो ये गोल्डन मेनली जो है ये फोर मेजर सिटीज़ को जो है कनेक्ट करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, ठीक है। तो द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई एंड दिल्ली बाई एंड दिल्ली बाई सिक्स लेन सुपर हाईवेज, ठीक है। तो हमारी सरकार ने गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक बहुत ही बड़ा जो है एक रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके थ्रू जो है दिल्ली कोलकाता चेन्नई और मुंबई को लिंक करवाया गया और दिल्ली से जो है उसको सिक्स लेन सुपर हाईवे के द्वारा ज्वाइन किया गया है, ठीक है। जो द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स लिंकिंग श्रीनगर जम्मू कश्मीर एंड कन्याकुमारी एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर
असम एंड पोरबंदर गुजरात, ठीक है, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, यानी नॉर्थ और साउथ में जो है, नॉर्थ में जो इंडिया के मैप हम देखते हैं कि जो नॉर्थ पार्ट है वो श्रीनगर का है बेसिकली, ठीक है, तो जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है हमारा वो श्रीनगर से लेकर जो है कन्याकुमारी तक होगा, ठीक है, यानी श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है उसके बीच जो है रोडवे बनाया जाएगा, ठीक है, और इससे वेस्ट में जो है ईस्ट में असम से लेकर ईस्ट में असम से लेकर जो है वेस्ट में गुजरात के पोरबंदर तक जो है रोडवेज का फॉर्मेशन करवाने का जो प्लान जो है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च हो चुका है। जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है ये सुपर हाईवेज के फॉर्मेशन का मेजर जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो वो टाइम रिड्यूस करना और डिस्टेंस जो ज़्यादा दूर दूर के जो इलाके हैं उनके बीच जो डिस्टेंस का कम डिस्टेंस को जो है कम करने के लिए, कि हमें एहसास हो कि वो मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमको वहाँ तक पहुँचने में जो है महीनों लग जाए, ठीक है, और टाइम के भी रिडक्शन के लिए जो है टाइम का रिडक्शन भी जो है यही जो है मेन ऑब्जेक्टिव है इन सुपर हाईवेज के कंस्ट्रक्शन के, ठीक है। ये जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा होता है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा जो है इनका जो है इम्प्लीमेंटेशन यानी इनकी देखरेख की जाती है, ठीक है। नेशनल हाईवेज, अब नेशनल हाईवेज क्या होते हैं, तो नेशनल हाईवेज वो हाईवेज होते हैं जो कि हमारे कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट को जो है लिंक करते हैं, ठीक है, और इनका मेंटेनेंस है वो हमारे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, यानी CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा इनका मेंटेनेंस होता है नेशनल हाईवेज का, ठीक है। स्टेट हाईवेज क्या होते हैं, तो स्टेट हाईवेज जो है हमारे वो स्टेट कैपिटल को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लिंक करते हैं, ठीक है, और इनका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो है मेनली स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट SPWD के द्वारा जो है इनका मेंटेनेंस होता है स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होते हैं, तो ये ऐसे रोड्स होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जो है और दूसरे प्लेसेस से जो है उसी डिस्ट्रिक्ट के और दूसरे प्लेसेस से जो है जो कनेक्ट करते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट रोड्स बोलते हैं, और इनका मेंटेनेंस जिला परिषद के द्वारा होता है, ठीक है। और बाकी के जो दूसरे अदर रोड्स होते हैं जो कि रूरल रोड्स यानी जो गांव में जो है कच्चे सड़क बने होते हैं, ठीक है, जो कि रूरल एरियाज को जो है कनेक्ट करते हैं और विलेजेस को टाउन से भी जो कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इन रोड्स का जो मेंटेनेंस है और उनका वो जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा होता है, ठीक है, रोड्स रिसीव्ड स्पेशल इम्पेटस, ठीक है, यानी इनका मेंटेनेंस जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत होता है, ठीक है। बॉर्डर रोड्स क्या होते हैं, तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन मेंटेन्स रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। बॉर्डर रोड्स क्या होते हैं, ठीक है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है कि हमारे कंट्री के बॉर्डरिंग एरियाज में जो है यानी हमारे कंट्री के इंडिया के चारों तरफ जो उसके बॉर्डर पर जो एरियाज हैं वहाँ पर जो रोड का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है, ठीक है। रोड डेंसिटी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, ठीक है, तो रोड डेंसिटी क्या होता है, तो द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नॉन एज डेंसिटी ऑफ रोड, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डिफिनेशन है इसका कि मान लीजिए कहीं का भी हम 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लेते हैं, ठीक है, इसके बीच जितना भी लेंथ का रोड प्रेजेंट है उसको जो हम रोड डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ऑल रोड्स वेरीज फ्रॉम ओनली 10 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर टू 375 किलोमीटर इन केरला, ठीक है, यानी अलग अलग जगहों पर जो रोड की डेंसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा जो है वेरी करती है, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में रोड डेंसिटी केवल 10 किलोमीटर है, ठीक है, जबकि केरला में 375 किलोमीटर है, ठीक है। और नेशनल लेवल पर अगर हम एवरेज की बात करें इंडिया में, तो लगभग 1996 और 97 के बीच का जो उस टाइम का जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से जो है जो एवरेज रोड डेंसिटी है इंडिया की वो 75 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये हमारा जो है मेनली रोडवेज के बारे में हो गया, अब हम रेलवेज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, ठीक है। तो इंडिया में जो है हमारे कंट्री में अलग अलग जगहों पर रेलवे नेटवर्क के डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है वो किसी भी कंट्री के जो है फिजियोग्राफिक इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर पर जो है बहुत ही लार्जली जो है उसका इन्फ्लुएंस इसके कंस्ट्रक्शन पर पड़ता है, ठीक है। द हिमालयन माउंटेन रीजन्स आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, जो हमारे कंट्री में जो हिमालय माउंटेन रीजन्स है वहाँ पर जो है रेलवे का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता, ठीक है, ड्यू टू हाई रिलीव स्पार्स पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है, ठीक है, और वहाँ पर
बराबर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल पाएंगी रेलवेज के मैनेजमेंट को, ठीक है। तो इसलिए हिमालय माउंटेन रीजन्स में जो है, और चूंकि वहाँ का फिजियोग्राफिक कंडीशन भी जो है सही नहीं है रेलवे के लिए, तो हिमालय माउंटेन रीजन्स में जो है रेलवे का कंस्ट्रक्शन, रेलवे लाइन्स का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता इजिली, ठीक है। और जो द नॉर्थन प्लेन्स हैविंग हाई पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। तो अब कहाँ पर जो इनका कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, तो जो नॉर्थन प्लेन्स है, ठीक है, यानी जो नॉर्थ का जो समतल एरिया है, प्लेन्स है वहाँ के, वहाँ पर चूंकि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी रहती है, तो वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होता है रेलवे लाइन्स के ग्रोथ के लिए, ठीक है। रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज अक्रॉस दियर वाइड बेड्स पोज सम ऑब्स्टेकल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स, ठीक है। तो वैसे रिवर्स जहाँ पर जो है ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन होता है उनके उनके किनारों पर, ठीक है, वहाँ पर कुछ चांस है वहाँ पर रेलवे लाइंस के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारे रेलवे लाइंस का हो गया, वो भी जो एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है, एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का जो है एक साधन है हम कह सकते हैं, ठीक है। अब पाइपलाइंस के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पाइपलाइंस ऐसा कोई नहीं है कि जैसे रोडवेज में इंसान ट्रेवल करते थे या रेलवेज में जो है ह्यूमंस ट्रेवल करते थे या एनिमल्स, वैसे पाइपलाइंस में जो है कोई लिविंग बींग जो है ट्रेवल नहीं करता, ठीक है। इसके थ्रू मिनरल्स वगैरह को जो है ट्रेवल किया जा सकता है, ठीक है। तो पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ए न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन मैप है रोडवेज का, रेलवेज का, उसमें एक नया ट्रांसपोर्टेशन का जो है कैटेगरी जो है उसमें इंक्लूड हुआ है, जो कि है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसको बनाने में जो इसको प्रारंभिक रूप से जब इसको बनाया जाता है स्टार्टिंग में, तो ये बहुत ही हाई कॉस्ट का होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है मिनरल्स का उनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजी हो जाता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, ठीक है। इसका इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लूजेज एंड डिलेज, ठीक है। यानी ट्रांसपोर्टेशन के समय में जो लूजेज होते हैं, जो लूजेज होते हैं गुड्स में, वो जो है इसके थ्रू जो है इसके जो ये जो मतलब कमी है और दूसरे ट्रांसपोर्टेशन की, वो जो है इसमें नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम रेलवे के थ्रू जो है कुछ सामान को जो है भेजते हैं, मालगाड़ी के द्वारा मान लीजिए भेजते हैं कुछ सामान को, कुछ मेटेरियलिस्टिक चीज़ को, तो वो जहाँ पर पहुँचना होता है वहाँ पर पहुँचकर उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, ऐसा मतलब अलग अलग फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जबकि पाइपलाइन के द्वारा अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी मेटेरियलिस्टिक थिंग का, तो वो जो है उसमें जो उसमें जो लूजेज हैं वो नहीं होते हैं, मतलब हम जिस क्वांटिटी में भेजते हैं वो उसी क्वांटिटी में पहुँचता है और ये टाइमली भी जो है होता है, ठीक है। अब जो हम इम्पॉर्टेंट नेटवर्क्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हमारा ऑयल फील्ड इन असम टू कानपुर यूपी, ठीक है, विया गुवाहाटी, बरौनी एंड अलाहाबाद, ठीक है। तो जो ऑयल फील्ड्स हैं यूपी मेनली जो है ऑयल फील्ड्स जो हैं वो मेनली यूपी के असम यूपी में जो है यूपी में यूपी के कानपुर में प्रेजेंट है, असम में और गुवाहाटी, बरौनी और अलाहाबाद आदि जगहों पर भी जो है ऑयल फील्ड जो है वो अवेलेबल हैं, ठीक है। और गुजरात के सलाया से लेकर जलंधर तक और पंजाब के विरामागंज, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत में भी जो है ऑयल फील्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। जो गैस पाइपलाइन से हमारी वो गुजरात के हजीरा से लेकर यूपी के जगदीशपुर तक जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है जो पाइपलाइन है वो अवेलेबल है, ठीक है। जो कि जो है मध्य प्रदेश के विजयपुर को भी जो है बीच में इंटरलिंक करता है। तो अब जो हम वाटरवेज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वाटरवेज जो है वो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का जो है एक फॉर्म है, ठीक है, और ये बहुत ही सूटेबल होता है हैवी और बल्की गुड्स को के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। इसमें फ्यूल की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, यानी फ्यूल्स की कहें हम बात को, तो यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे कि पेट्रोल, डीजल, इन सब जैसे फ्यूल्स की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसको मैन पावर के दम पर जो इसको चलाया जा सकता है, ठीक है। एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसके थ्रू जो है कोई स्मोक वगैरह भी रिलीज नहीं होता है जिससे कि पॉल्यूशन हो, ठीक है। तो ये इससे जो है ये पॉल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्ट भी है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है एक बेनिफिशियल रिसोर्स है हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। अब हम मेजर सी पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक लॉन्ग कोस्ट लाइन जो है इंडिया का है, जो कि 7,516.6 किलोमीटर जो है इंडिया का कोस्ट लाइन है, ठीक है। और इसी कोस्ट लाइन पर जो है 12 मेजर और 181 जो है मीडियम और छोटे पोर्ट्स जो है वो जो है प्रेजेंट है, ठीक है। यानी जैसे रेलवे के लिए रेलवे स्टेशन होता है, वैसे ही जो सी जो जो वाटरवेज है उनके लिए सी पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वही जो है सी पोर्ट जो लगभग 12 मेजर और 181 छोटे जो है सी पोर्ट्स प्रेजेंट है इंडिया में, ठीक है। कांडला इन कक्ष वॉज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे पहला सी पोर्ट बनाया गया वो कक्ष के कांडला नामक स्थान पर जो है बनाया गया था, ठीक है। कांडला जो है एक टाइडल पोर्ट है, ठीक है।
It caters to the convenient handling of exports and imports of highly productive granary and industrial belt. Mumbai is the biggest port with a spacious natural and well sheltered harbor. ठीक है, तो ये जो सबसे कांडला में जो टाइडल पोर्ट बनाया गया था, ये जो है ये बहुत ही कन्वीनियंट है, यानी अच्छे तरीके से ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करता है हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी, यानी अनाज वगैरह का जो है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही जो है उसको कन्वेंटली हैंडल करता है. ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल जो मुंबई में जो जो पोर्ट है वो बिगेस्ट पोर्ट है जो मुंबई जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है इंडिया का, वहाँ पर जो है बिगेस्ट पोर्ट जो है प्रेजेंट है. ठीक है, और दूसरे पोर्ट की हम बात करते हैं तो गोवा में जो हमारा मारमागाव पोर्ट प्रेजेंट है. ठीक है, जो इज़ द प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री, जो कि हमारे कंट्री का आयरन और एक्सपोर्ट करने वाला पोर्ट सी पोर्ट है. ठीक है, जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट है वो कर्नाटका में स्थित है. ठीक है, और ये भी जो है आयरन के एक्सपोर्ट के लिए मेनली जो है प्रसिद्ध है. ठीक है, कुंदेरमुख माइंस के द्वारा. ठीक है, यानी कुंदेरमुख माइंस के द्वारा जो आयरन का जो माइनिंग होती है, वहाँ से जो उसका खनन होता है, वो जो है कर्नाटका के मैंगलोर पोर्ट के द्वारा एक्सपोर्ट होता है. ठीक है, कोची जो है वो एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है इंडिया का. ठीक है, जो कि लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ ए लगून. ठीक है, मतलब एक लगून के एंट्रेंस पर जो है प्रेजेंट है. ठीक है, लगून एक टर्म है, इसका मीनिंग आप लोग सर्च कर लीजिएगा. ठीक है, तो जो कोची है वो भी जो हमारा एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है. अब हम एयरवेज के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेंस लाइक हाई माउंटेन्स, ड्रेरी डिजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट एंड ऑल्सो लॉन्ग ओसिनिक स्ट्रेचेज विथ ग्रेट ईज. तो एयरवेज के बारे में यहाँ पे पहला लाइन बताया हुआ है कि ये बहुत ही जो डिफिकल्ट ऐसे एरिया है जहाँ पर कि और दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के तरीके जो यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं करवा सकते, वहाँ पर हम एयरवेज का सहारा ले सकते हैं. ठीक है, जैसे कि माउंटेन्स वगैरह में या डिजर्ट्स में या बहुत घने जंगलों में जिनकी हम कटाई नहीं कर सकते, और बहुत बड़े बड़े ओशियनिक स्ट्रेचेज में. ठीक है, समुद्री इलाकों में भी जो है हम दूसरे ट्रांसपोर्ट का रोडवे या रेलवे या जो वाटरवेज है उनका सहारा नहीं ले सकते. ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम किस साधन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम एयरवेज का यूज़ करते हैं. ठीक है, जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसका नेशनलाइजेशन जो है 1953 में हुआ था. ठीक है, मतलब हमारे इंडिपेंडेंस के जो है 6 साल बाद, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट होने के 3 साल बाद. ठीक है, जो एयर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, यानी जो इंडिया में जो एयरवेज है उनके द्वारा जो इंटरनेशनल एयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं. ठीक है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल गैस. ठीक है, यानी पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के द्वारा जो है हेलीकॉप्टर सर्विस ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन को भी प्रोवाइड करवाई जाती है. ठीक है, ताकि जिसके थ्रू जो है जो इनएक्सेसिबल एरियाज हैं जहाँ पर कि ईजिली ट्रांसपोर्ट नहीं किया सकता, और डिफिकल्ट टेरेंस यानी पहाड़ी इलाकों में जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और जम्मू कश्मीर के इंटीरियर पार्ट्स में और हिमाचल प्रदेश और उत्तराचल आदि जगहों पर जो है उनको आदि जगहों पर जो ऑयल एंड नेचुरल के जो सोर्सेज होते हैं तो उनको जो है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करता है ऑयल एंड नेचुरल गैस को. ठीक है, अब हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में क्या इंक्लूडेड होता है, तो मेनली टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म, ये सब जो है मेजर मीन्स है हमारी कंट्री में कम्युनिकेशन के. ठीक है, जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क जो है वो इंडिया का पोस्टल नेटवर्क है. ठीक है, जो कार्ड्स और इनविलप्स होते हैं, ठीक है, वो जो है उनको जो हम सबसे पहला फर्स्ट क्लास मेल जो है कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, जो सेकंड क्लास मेल है उसमें जो है हम बुक पैकेट्स को जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स या पीरियोडिकल्स को जो है हम सेकंड क्लास मेल में जो है इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, टू फैसिलेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स, जो मैसेजेज हैं उनके क्विक डिलीवरी के लिए क्या होता है कि लार्ज टाउन्स और सिटीज़ में 6 मेल चैनल्स होते हैं. ठीक है, रिसेंटली यानी हाल ही में जो है बहुत फास्ट डिलीवरी के लिए मेल्स के 6 मेन चैनल्स जो है इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं. ठीक है, उनको जो है हम राजधानी चैनल बोलते हैं या मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, ठीक है, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिक चैनल. ठीक है, यानी इन सब के द्वारा मेल का जो है फास्टेस्ट जो है डिलीवरी होता है. ठीक है, इंडिया के पास जो है लार्जेस्ट जो है टेलीकॉम नेटवर्क, एशिया का एक लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क जो है वो इंडिया में प्रेजेंट है. ठीक है, अब हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में. ठीक है, तो जो गुड्स पीपल में गुड्स का एक्सचेंज और स्टेट और कंट्रीज में जो एक्सचेंज होता है उसको जो है हम इंटरनेशनल ट्रेड बोल सकते हैं. ठीक है, यानी हमारी कंट्री के बाहर जो ट्रेड होता है, हमारी कंट्री से हमारी कंट्री के बाहर के बीच का जो ट्रेड होता है उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं. ठीक है, और हम सिंपल लैंग्वेज बोले तो दो कंट्रीज के बीच जो ट्रेड होता है उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं. ठीक है,
जो जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स होते हैं वो हमारे ट्रेड के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। यानी ट्रेड में मेनली एक्सपोर्ट होता है इम्पोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ये दो टर्म्स है। एक्सपोर्ट मतलब होता है कि हमारी कंट्री से बाहर किसी चीज़ को भेजना, और इम्पोर्ट मतलब होता है कि किसी दूसरे कंट्री से अपनी कंट्री में किसी गुड्स या प्रोडक्ट को जो है लाना, ठीक है। तो द बैलेंस ऑफ ए ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है। तो जो बैलेंस होता है किसी भी एक कंट्री का ट्रेड में, जो बैलेंस होता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का, ये अलग अलग होता है, ठीक है। वेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सिस्ट द वैल्यू ऑफ मोर इट इज कार्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। यानी जिस कंट्री में जो एक्सपोर्ट होता है वो अधिक होता है इम्पोर्ट की तुलना में, तो वो जो है फेवरेबल बैलेंस होता है ट्रेड का, ठीक है। यानी हम जो है एक्सपोर्ट का अधिक होने का मतलब है कि, और इम्पोर्ट कम होने का कि हम किसी दूसरे कंट्री पर कम डिपेंडेंट है उसके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। लेकिन वो कंट्री हमारे पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये जो है ट्रेड का बैलेंस जो है फेवरेबल कहलाता है, ठीक है। टूरिज्म एज ए ट्रेड, ठीक है। तो यात्रा को भी जो हम एक व्यापार के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो टूरिज्म हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो टूरिज्म ने जो है खुद को एक ट्रेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है खुद को प्रूव कर दिया है, ठीक है। जो इंडिया में टूरिज्म है वो बहुत ही फास्ट जो है फास्टली ग्रो हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है टूरिज्म का। इट हेल्प्स एज प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ये राष्ट्रीय एकीकरण का भी जो है, राष्ट्रीय एकीकरण में जो इसका बहुत ही बड़ा योगदान है, ठीक है, टूरिज्म का। और ये लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये कल्चरल परसिट्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज, टूरिज्म के द्वारा जो है हमें इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग मिलती है, यानी हमारी कंट्री के अलावा जो कंट्रीज है वो क्या सोचते हैं हमारे कल्चर और हेरिटेज के बारे में, उसका जो है डेवलपमेंट होता है, और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग जो हमें टूरिज्म के द्वारा मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली हमारा ये चैप्टर ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी खत्म हो चुका है, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बिट सपोर्ट। थैंक यू।